नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुनी की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसको दूर करने के लिए लगातार बैठकें की गई। पहला जो फैसला लिया गया वो कृषि भूमि पर एनडीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी रजिस्ट्री होगी, इसमें कोई डेवलपमेंट चार्ज भी नहीं जमा करवाना होगा। साथ ही 2,52,000 को फायदा भी होगा। साथ ही शहरी निकाय विभाग में भी खाली प्लाट पर जो टैक्स देकर एनओसी मिल जाएगा, वहीं कम से कम 100 गज के प्लाट में 50 गज के प्लाट पर रजिस्ट्री हो पाएगी और इसका पार्टीशन भी हो पाएगा। इसके साथ ही सुभाष सुधा ने यह भी कहा कि 30 जून तक प्रदेश भर में कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे, जिसे लेकर कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी। कुछ दिक्कतें आ रही थी जो पिछले समय से, उसको करने के लिए हमने लगातार, हमारे डायरेक्टर साहब, हम बैठे साथ में, हम लोगों ने बैठकर उसके अंदर हमने कुछ इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूंगा, सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉरपोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको नम क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेज जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएटली मिलेगा। इसके लिए पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें करना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स में अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी, मैं कहूंगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति, इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाडोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूं, उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अनप्रूव कॉलोनियों को रेवलाइज करने के लिए हमने 741 अनप्रूव कॉलोनियों को रेवलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियां को निमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य टैरिफ निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप अप करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, पेमेंट कर रहे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। आपको बताते चलें कि अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए, जहां पर आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ में एक पीसी का आयोजन किया गया। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, स्थानीय निकाय में आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा भी की है और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि कृषि भूमि पर एनडीसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अधिकारियों को भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने प्रेस वार्ता की है और स्थानीय निकाय में आ रही दिक्कतों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की है और साथ ही कहा कि कृषि भूमि पर
एनडीसी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अधिकारियों को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्थानीय निकाय में कई तरह की समस्याओं को लेकर उन्होंने बातचीत की है। अंबाला के लोगों को जल्द ही अंबाला से फ्लाइट की सुविधा मिल सकती है। हरियाणा के पूर्व गृह अनिल विज ने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ में अंबाला छावनी में उड़ान योजना के तहत निर्माणाधीन सिविल इनक्लेव का निरीक्षण किया है और 15 जुलाई तक निर्माण कार्य को पूरा करने और 15 अगस्त तक पहली फ्लाइट प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर कमल गुप्ता ने अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि अनिल विज ने बहुत मेहनत करके इस काम को बड़ी तेजी से शुरू किया है। मेहनत करके इस लैंड को लेकर और ये काम शुरू किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये एविएशन डिपार्टमेंट मेरे पास आया है तो जल्दी से महीने दो महीने में यहां से हम फ्लाइट शुरू कर सके, ये हमारा प्रयास है। तो हमने इनसे वायदा लिया है, एक्सीन साहब से, ठेकेदार से, भले इनका टाइम थोड़ा सा आगे तक का है, पर मैंने इनको वायदा किया है, इनसे निवेदन भी किया है कि 15 जुलाई तक ये भवन का काम कम्प्लीट है। और 15 जुलाई तक अगर ये भवन का काम कंप्लीट हुआ और ईश्वर ने चाहा और भाई साहब का आशीर्वाद रहा तो मैं समझता हूं कि यहां से हमको डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू कर दें। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अंबाला के अलग अलग स्लम क्षेत्र में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें से आपको बताते चले कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और साथ ही यहां पर इस अभियान में कई लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत अंबाला के अलग अलग स्लम क्षेत्र यहां पर सम्मिलित किए गए हैं। पिछले कई सालों से इस तरह के एरिया में हम लोग आते हैं और इस बार हमने यहाँ एनीमिया कैंप लगाया, जिसमें आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिनका हम एचबी कर रहे हैं और जिसका खून कम है उसे हम दवाई भी दे रहे हैं। ये अभियान देश भर में चल रहा है, खास करके हरियाणा में, हरियाणा प्रांत में अगर देखा जाए तो ये बड़ा चढ़ के चल रहा है। और इसकी जो संभावना ये भी है कि अगर खून पूरा होगा किसी इंसान का तो उसको बीमार हो कम होने की संभावना है, उसका मेंटल एटीट्यूड ठीक रहेगा और वो स्वस्थ जीवन जिएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के बाद में हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आई है। पिछली बार की बाढ़ के दोबारा से हालात पैदा न हो इसको लेकर हर संवेदनशील जगह की जांच करने के लिए राज्य के सिंचाई मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारी मैदान पर उतरे हैं। वहीं बाढ़ संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया। वहीं सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने भी दावा किया कि पिछली बार बाढ़ के प्रकोप के कारण जो काफी नुकसान हुआ था उस नुकसान को देखते हुए सरकार सजग है और आने वाले समय में वो हालात दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। और साथ ही आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कहा कि लगातार जो टीमें हैं वो एक्शन मोड में हैं। आपको बताते चले कि मैदान में काफी जांच अधिकारी जो हैं वो उतरे हुए हैं और जांच विभाग लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक्शन मोड में लगातार हरियाणा सरकार है, जहां पर निरीक्षण का कार्य लगातार जारी है। बाढ़ संवेदनशील स्थलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। भुक्तभोगी भी इस बाढ़ का और मेरा पूरा इलाका भुक्तभोगी है। शाहबाद का बहुत बड़ा नुकसान है इस बाढ़ से हुआ था और मैं लगातार अधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी के संपर्क में था मैं और आज उसकी गतिविधि अभी आपको दो दिन पहले नजर भी आई कि मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर लोगों की जो अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और मैंने मंत्री जी को और सभी अधिकारियों को विजिट करने के लिए प्रॉपर वे से धरातल पर भेजा और ये आपको सारी एक्टिविटी नज़र भी आ रही है कि पूरा का पूरा हमला
चाहे हमारे इसके सेक्रेटरी हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट के, चाहे हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम भारतभूषण भारती जी हैं, हमारे एसटी हैं, हमारे ईआईसी इरीगेशन चौहान साहब हैं, तो सारी की सारी टीम इसमें लगी हुई है। जहाँ तक मेरे को विश्वास है जो आज का इस प्रकार की एक्सरसाइज है कि परमपिता परमात्मा की पिछले साल जैसी इस प्रकार बादल फटने की घटना हुई थी ऐसी ना घटी, तो साहब उनको मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ कि कोई उनको समस्या इस बार नहीं आने दी। ये पिछली बार जो बाढ़ का प्रकोप यहाँ है उसमें काफी नुकसान हुआ था, और इस नुकसान को देखते हुए सरकार इस बात के प्रति सजग है कि अब आने वाले समय में बारिश के टाइम वो हालातें दोबारा रिपीट ना हो, और जो जो नुकसान हुआ था, जो जो पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जहां जहां से ब्रीच हुए थे, उन सबको ठीक कर रहे हैं। इस वक्त भी आज मैं ये चौथी जगह है जिसमें ब्रीच किया है, मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है, और आप विश्वास रखिए कि सारे काम को बढ़िया तरीके से संपन्न करवाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जब तक बहुत बड़ी कोई आपदा ना आ जाए तब तक ये जो बाढ़ के टाइम में आगे इलाके को कोई नुकसान ना हो, हम सारे जो सिस्टम है दुरुस्त कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने थ्री व्हीलर वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए अब जिला मुख्यालय पर ही वाहनों की पासिंग करवा दी है, जिसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पानीपत, रोहतक, जींद, झज्जर और साथ ही सोनीपत के जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ई रिक्शा और थ्री व्हीलर वाहन चालक जो कि पहले रोहतक जाकर वाहनों की पासिंग करवाते थे, अब वे जिला स्तर पर ही पासिंग करवा सकेंगे, जिससे उनका समय भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा। हरियाणा से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो इनको बड़ी राहत देते हुए ई रिक्शा और जो थ्री व्हीलर हैं दोनों पैसेंजर और गुड्स, इनको एक बड़ी राहत देते हुए सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं कि इनको सोनीपत में ही इनकी पासिंग की जाए। जो इनको हर साल जो पुराने ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा है इनको हर साल पासिंग करवानी पड़ती है, तो इससे पूर्व में इनको रोहतक जाना पड़ता था, तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि ई रिक्शा इतनी चार्जिंग होती नहीं है कि वो रोहतक जाए और रोहतक से वापस आए। तो इन्हीं दिक्कतों को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए और इसका समाधान निकाला है कि इनकी अब जो वार्षिक पासिंग होती है वो अब सोनीपत में ही हुआ करती है। ट्रांसपोर्ट अधिकारी को निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। दरअसल खबर सोनीपत से है जहां पर थ्री व्हीलर वाहन चालकों को काफी बड़ी राहत दी गई है, जो कि जिला मुख्यालय पर भी अब जो भी उनकी रिक्शा हैं वो पार्क होंगे, और साथ ही आपको बताते चलें कि थ्री व्हीलर वाहन चालकों को बड़ी राहत जो है वो दी गई है। जिला मुख्यालय पर अब यहां पर पासिंग भी की जाएगी। दरअसल पहले दूसरी जगह जो वाहन थे वो पार्क होते थे, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत दी गई है और चालक अब काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। पार्किंग को लेकर लगातार शिकायत भी आती थी, जिसको लेकर अब बड़ी राहत दे दी गई है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सोनीपत में अब जिला मुख्यालय की पासिंग जो है वो की जाएगी। आपको बताते चले कि जिला मुख्यालय पर ट्रांसपोर्ट अधिकारी के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, जहां पर उन्हें आदेश देते हुए पार्किंग को लेकर अब राहत जो है वो दी गई है।
लगातार कई तरह के मामले जो हैं वो सामने आते थे, जिसको लेकर घर के बाहर पार्क होता था या फिर कहीं दूसरी जगह पार्किंग का जो चार्जेस है वो देना पड़ता था। कई तरह की परेशानियां भी देखने को मिलती थी, जिसको लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो अब कर दिया गया है। पार्किंग को लेकर अब थ्री व्हीलर्स वाहन चालकों यानी कि ई रिक्शा चालकों को काफ़ी परेशानियां जो होती थी वो अब उन्हें उन समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दरअसल ट्रांसपोर्ट अधिकारी को आदेश जो है वो दे दिया गया है और जल्द ही इस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और जिला मुख्यालय पर वाहनों की जो पार्किंग है वो की जाएगी। सेक्टर 23 संजय कॉलोनी के लोगों ने कुछ दिनों पहले एरिया में पानी ना आने को लेकर सड़क पर उतरकर जाम कर नगर निगम के खिलाफ खूब नारेबाजी की थी, लेकिन अभी तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि बीते दिन सभी लोगों की ज्वाइंट कमिश्नर के साथ में मीटिंग करवाई गई। मीटिंग में लोगों को आश्वासन भी दिया गया कि पानी न आने की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन लोग अभी भी असमंजस में हैं कि क्या सच में इस पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। दरअसल गर्मी में पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं, जिसको लेकर लगातार वो विरोध भी करते हैं। कैसे फिर ये टैंकर आता पैसे वाला उससे खरीदते हैं, दूसरे दिन टैंकर आता है 100-200 के पानी भरवाते उससे काम चला रहे हैं। आज के डेट में हर महंगाई तो दिनों दिन बढ़ी जा रही है। अभी देखो दूध 33-34 की 3 महीने से हो रही है, 3 महीने से गर्मी में तो इतने बुरा हाल। अभी पानी आया है 15 दिन पे आया पानी, सोचो 15 दिन हम बच्चों को पढ़ाने का खर्चा निकाले या किराए का या पानी का। एक तो पानी पीने वाला खरीदते हैं, दूसरे नहाने धोने का भी पानी खरीदे। गली नंबर 24 में। कौन सा एरिया? संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में जी। पानी की समस्या के लिए आप लोगों कुछ दिन पहले रोड भी जाम किया था और पुलिस आई थी हटवाई थी आप लोगों को जाम, तो क्या समाधान निकला था? समाधान सर उससे कुछ भी नहीं निकला ऐसा, तो हम लोग को अल्टीमेटली ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाना पड़ा। ज्वाइंट कमिश्नर के पास हम लोग गए थे और काफी सारे जने थे, हम 14-16 लोग थे वहाँ गए थे। उन्हें हमने जाके वहाँ पे उनसे बात की, उनसे बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, हमने अपना लेटर दिया था उनको और उन्होंने उसको रिकॉर्ड में लिया है। रिकॉर्ड में लेने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके पास पानी डेली आएगा, लेकिन अभी तक तीसरा दिन है आज, आज तक पानी नहीं आया है। गुरुग्राम के वाटिका चौक में सड़क पर सफाई कर एक महिला कर्मचारी की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई है। आपको बताते चले कि हादसे के बाद में कार का ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के सफाईकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए और सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने समाधान शिविर में 30 शिकायतों में से अधिकतर का समाधान किया है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की तरफ से जिले 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस समाधान शिविर में आमजन की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है और साथ ही समाधान शिविर में आई हुई शिकायतों को भी तय समय सीमा के अंदर निपटान करने के आदेश भी दिए गए और साथ ही इस विषय में किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन न करने की बात भी कही गई है। आज समाधान शिविर सरकार के आदेशानुसार लगाया गया। कुरुक्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी उपायुक्त महोदय भी
और DSP साहब भी वहाँ मौजूद रहे और टोटल 30 शिकायतें हमें समाधान शिविर में मिली थी, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का समाधान वहीं पर किया गया और जो समस्याएं जिनमें थोड़ा टाइम लगना है। रेवाड़ी में भीषण गर्मी के कारण तरबूज खरबूजा दोनों लुभावने फल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी के कारण ये बदबूदार विषक्त फल भी बन सक रहे हैं। आपको बताते चलें कि आपकी अच्छी भली सेहत को खराब कर आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इस संदर्भ में रेवाड़ी की सब्जी मंडी में कुछ तरबूज और खरबूजा विक्रेताओं से बैठक की तो उन्होंने भी माना कि पिछले कुछ दिनों से रेवाड़ी का तापमान 42 डिग्री के ऊपर चल रहा है और ऐसे में न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी काफी परेशान हैं। तो मंडी में बिकने वाले फल जो हैं वो विशेषकर तरबूज और खरबूजे जैसे फलों और सब्जियों का गलना और सड़ना स्वाभाविक है। वहीं नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 42 डिग्री के तापमान में सब्जियां और फल दोनों खराब हो जाते हैं, जिनके खाने पर आप फूड पॉइजनिंग और साथ ही अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। एक तो ज्यादा दिन का तरबूज हो जाता है उसमें आती है, एक कुछ 42 डिग्री तापमान है, अब थोड़ी देर बाद 44 हो जाना है, अभी एक बजे तक तो 42 उसके बाद 44 हो जाना है, तो सड़क पे आमलेट बन सकती है, ये तो तरबूज है, ये बताओ इतना गर्म माहौल है, तरबूज तो बचेगा, सब्जी तो आज ले जाओगे ना अब सुबह की सब्जी शाम तक बन जाती है बिना बनाए, ये तो तरबूज है। सर हीटिंग की वजह से है, ज्यादा गर्मी है इस साल, उसका भी रीजन है या कोई पीस दबा हुआ निकल जाए या किसी गलत स्वार्थी दुकानदार से ले लो तो भी कारण हो सकता है, यही कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार के ज्यादा जो ज्यादा स्टॉक रखते हैं, ज्यादा लंबे पीरियड का रखा हुआ हो उसका भी इफेक्ट पड़ता है इससे। हाँ ये है जी, मेन गर्मी तो आई जी, फ्रूट ये गर्मी का ही है, पर ज्यादा स्टॉक वाले से लोग डेली मतलब बेचने वाला है, लेकिन अगर दवा वो निकलता है तो फायदे की जगह नुकसान करता है, फिर आदमी नुकसान तो है ही सर। बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो बिल्कुल कटा हुआ फ्रूट्स तो कभी नहीं खरीदना है और दूसरा बहुत ज्यादा गर्मी से और अंदर से वो सड़ जाता है, बाहर से वो आपको ठीक लगता है, तो इसको जरूर जो है ना आप चेक करके खाने इस पर उसको देखो, स्मेल करो, उसको थोड़ा भी डाउट लगे तो प्लीज उसको ना खाए और जो है फ्रेश फ्रूट्स ही का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, इससे फूड पॉइजनिंग और दस्त फैलने का बहुत डर रहता है। वो गर्मी से किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं? गर्मी से बचाव के लिए पानी ज्यादा पीना है, जहाँ तक कोशिश हो उसके 11 बजे से 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकले, बहुत ही जरूरी हो तो अपने सिर पे कोई कपड़ा या वो पहन के निकले और पानी अपने साथ में पानी का बार बार प्रयोग करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।